होली स्पेशल में हम लेकर के आए हैं नमकीन सेव रेसिपी। बिल्कुल मार्केट जैसे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, बनाना बहुत ही ईजी है। बहुत कम समय में बहुत सारी नमकीन बनकर के तैयार हो जाती है। तो आपकी टाइम हो या मेहमानों को सर्व करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। मेहमान भी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेनू, कुक यूनिक विद रेनू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमकीन सेव बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले रिफाइंड ऑयल 1 कप भर के। तो इसके लिए आप कोई भी कप, प्याला या कटोरी सेट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें लेंगे। तो ये इसको हम डाल लेंगे मिक्सी जार में, क्योंकि हम मिक्सी से बना रहे हैं तो बहुत जल्दी और इजीली ये बन जाएगा। हमें चाहिए एक इसका मिक्सचर, क्रीमी टेक्सचर। तो इसमें डालेंगे हम इसी कप का 1 कप पानी। तो आप चाहें तो ऑयल और पानी दोनों चीज़ों को 1 कप से लेकर एक बड़े बर्तन में भी ले सकते हैं। तो हाथ से आप इसको फेंट सकते हैं, बस हाथ से फेंटने में इसे 10 मिनट लग जाएंगे लगभग, या आप इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मिक्सी में चला लेंगे। तो लीजिए, हमने इससे मिक्सी में चला लिया 1-2 सेकंड के लिए, रुक रुक करके 2 बार हमने इसे चलाया और देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर इसका बन गया, बिल्कुल बटर जैसा। तो ऐसा ही हमें चाहिए। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसमें इसे निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे हम बेसन, उसी कप से नाप करके लेंगे। 1 कप बेसन डाल लेते हैं और हाथों से ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ साफ हों उससे पहले तो हम हाथों से मिक्स करेंगे मसलते हुए। जितना हम इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे, ये बहुत अच्छा सा फ्लफी सा बन जाएगा। और इसे मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो हमने एक कप बेसन और डाल लिया, थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन को मिक्स करेंगे। बेसन सबका अलग अलग क्वालिटी का हो सकता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ बेसन लेंगे। हमने यहाँ पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, इस चीज़ को आपने नोट किया होगा। पानी जो हमारा कप में था उतना ही लिया है। 3 कप बेसन डाल दिया है और यहाँ आप कप बेसन और डाल देंगे। यहाँ 3.5 कप बेसन हमने लिया है और अच्छे से मसलते हुए इसको सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसमें डालेंगे खुद टेस्टी बनाने के लिए और थोड़ा सा कलर देने के लिए, इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 पिंच हींग, स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। सबको मिक्स कर लेंगे। आप इसमें मसाले अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मसल के अच्छा सा डो बनाएंगे। तो देखिए ये अभी चिपक रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। उसके बाद ये इसको हम देखते हैं, इतने हम अपने ये जिसमें हमें बनाने हैं सेव वो ले लेते हैं। इस तरह के हमने कलछी ली है, इससे बनाएंगे। तो इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया। ये कद्दूकस ले लिया है, आपके पास जो भी कद्दूकस है जो उसमें आसानी से बन सकें वो ले लीजिए। मेरे पास ये छोटा है और फिर से बड़ा है, उसमें नहीं बन पाएंगे तो मैं छोटे में ही बना लेती हूँ। और इस तरह की अगर आपके पास मशीन है सेव बनाने की तो बहुत बढ़िया है, आप इसे भी ले सकते हैं। इसको भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और इस तरह की जाली आती है, इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे। और इसका जो रोलर है इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि इसमें डो चिपकेगा नहीं। हमने सब पर तेल लगा लिया, इधर 10 मिनट हो गए हैं डो को रखे हुए। तो देख लेते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है और अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। अब इसको हाथ पर तेल लगा करके अच्छे से मसल करके स्मूथ बना लेंगे। थाली में चिपक रहा है तो इसको हाथ चम्मच से हटा देंगे थोड़ा सा, और अब इसको मसलेंगे। तो ये देखो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा हाथों में अब, और अच्छी तरह से सॉफ्ट डो इसका बन गया है। तो इस तरह का ही डो हमें चाहिए, ना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट और ना ही टाइट, तो ये परफेक्ट है डो। अब इसमें हम थोड़ा सा डो को ले लेंगे और सिलेंडर आकार का शेप बना करके इस मशीन में फिट कर देंगे इसको, और इस पर लिड लगा देंगे। तो ये हमने रेडी करके रख लिया है। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा डो डालकर देख लेते हैं। ऑयल सही है, अच्छा है गर्म। अब इसमें हम डालेंगे
जो हमने कल छीली थी, इससे डालेंगे पहले सेव। तो इसमें बनाकर दिखा देते हैं आपको। ये इजीली सबके घर में मिल जाती हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी इसमें बनाने में। तो किसी चीज़ में भी बनाइए, टेस्ट में बिल्कुल अंतर नहीं आएगा। जो भी आपके पास है अवेलेबल, आप उसमें सेव बना सकते हैं उससे। तो आप हथेली की सहायता से इसको प्रेस करते रहिए हाथ से, और ये अच्छे से निकलते जाएंगे। दो चने की भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि एक बिना चलाता रहे, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। फ्रेम को आप अपनी सुविधा के अनुसार कम कर लें। देखिए बन चुके हैं, बस इनको हम निकाल लेंगे फटाक से। हमारा तेल अच्छे से गर्म था, तो थोड़ा सा डार्क कलर आया है, देखिए। तो इसे निकाल लेते हैं अब टिश्यू पेपर पर, और अब तोड़ लेते हैं हम कद्दूकस से भी। बढ़िया निकल रहे हैं। तो ये कद्दूकस जो है हमारा थोड़ा बारीक है, देखिए कितने अच्छे हमारे कद्दूकस में निकल रहे हैं। हाथ में ना लगे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तेल अच्छा गर्म है, और देखिए ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं। इसको चलाते हुए सेकेंगे, बहुत बारीक हैं, तो ये कम समय लगेगा इन्हें सिकने में। तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब हम मशीन से भी तोड़ लेते हैं। तो मशीन को हम घुमाते हुए, हाथों को भी घुमाते हुए इसे बनाएंगे, ताकि ये इकट्ठा ना हो। तो हमें आगे पीछे हाथ घुमाते हुए इसको बनाना है, और मशीन को चलाते रहेंगे एक हाथ से। तो इसमें हमें बहुत सावधानी रखनी है, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इससे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ऑयल भी हमारा अच्छा गर्म हो रखा है। यहाँ फ्लेम को हमने लो मीडियम ही रखा है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बनाते समय लो मीडियम या लो भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, फ्राई होने के बाद अपने आप खुल जाएंगे, और ये अंदर से भी सिक जाएंगे। कलर चेंज हो गया थोड़ा सा नीचे से, तो इसको हम पलट देंगे। ये अंदर से सिक गए हैं, तो अब पलट करके भी हम 2 मिनट के लिए सेकेंगे। 2 से 4 मिनट में ये अच्छे से सिक जाते हैं। बाद में हमें इन्हें तोड़ना ही है, तो इसे चम्मच से हिलाते हुए थोड़ा सा सेक लेंगे, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। देखिए काफ़ी कलर चेंज हो चुका है, तो बस इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, वरना ये देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसे निकाल लेते हैं हम प्लेट में। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका। तो अब इसी तरह से हम दूसरे बैच के भी तोड़ लेंगे। उसी सेम उसी प्रोसेस से हम इसे तोड़ेंगे। तो गाइस, इस नमकीन सेब को बना के ज़रूर देखिएगा इस होली पर, और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो लीजिए, ये भी बन करके तैयार हो गए, इन्हें भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो कलर भी अच्छा आया है, और साथ ही क्रिस्पी भी। तो लीजिए, हमारे सारे सेब बन करके रेडी हो गए। ये हमारे कद्दूकस से बने थे, बिल्कुल बारीक बने हैं ये, तो क्रिस्पी बहुत हैं, और कलछी के भी हैं, तो ये भी बहुत क्रिस्पी बने हैं, है ना? आप बात सुन सकते हैं। तो दोनों ही हमारे अच्छे से बने हुए हैं ये, और ये रहे हमारे जो हमने मशीन से बनाए थे। टेस्ट में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत टेस्टी एक से ही है। और इनको हम थोड़ा सा हाथ से इस तरह से तोड़ लेंगे, क्योंकि ये लच्छे में बने हुए हैं पूरे पूरे, तो इनको थोड़ा सा तोड़ लो हाथ से। और ये भी उतने ही क्रिस्पी बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको, ये भी कितने क्रिस्पी बने हैं। सेब बने हैं बिल्कुल मार्केट जैसे, कलर कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब आप इनको चाहें किसी भी
इस तरह के एयर टाइट डब्बे में भरकर रख सकते हैं। ये 2 महीने तक भी खराब नहीं होंगे। टी टाइम हो या जब आपका मन करे तब आप इन्हें एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ ऐसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।